हेलो गाइस कैसे हैं आप सब होप कि आप सब बढ़िया से होंगे और अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे आज का पेपर था टेंथ का सोशल साइंस का तो उसका एक सेट हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और फिलअप वगैरह तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो आया था वो इस तरीके से था वन डिड नेपोलियन इनवेड इटली यानी कि नेपोलियन ने इटली पर कब जो था अटैक किया था आक्रमण किया था तो इसका आंसर जो बनेगा हमारा वो बनेगा 1797 नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच कंट्री डिड गांधी जी फर्स्ट ट्राई सत्याग्रह तो इसका आंसर है बहुत सिंपल सा साउथ अफ्रीका क्वेश्चन नंबर थर्ड है कॉफी कल्टीवेशन इज एन एग्जांपल ऑफ डैश एग्रीकल्चर तो यहां पर आएगा प्लांटेशन जो कॉफी है वो प्लांटेशन एग्रीकल्चर होती है तो यहां पर हम लिख सकते हैं प्लांटेशन ओके तो काफ़ी जो एक है एक एग्जाम्पल है प्लांटेशन एग्रीकल्चर की नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च इन विच ईयर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कौन से साल लॉन्च हुआ था तो इसका आंसर रहेगा 1920 नेक्स्ट क्वेश्चन है बिग लैंडेड एस्टेट्स अवॉलेशन एक्ट वाज पासड इन डैश ईयर यानी कि जो बिग लैंडेड एस्टेट अवॉलेशन एक्ट था वो कौन से साल में पास हुआ था अगर आपने हमारी एस की वीडियोज़ देखी होंगी तो उसमें मैंने अच्छे से समझाया है तो ये हुआ था नाइनटीन फिफ्टी में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज राविक्राप तो राविक क्राप कौन सी है इनमें से ये बीट जो है राविक्राप है राइस और मे जो है ये खरीफ होती है तो इसलिए इसका आंसर रहने वाला है बीट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें विच इज़ नॉट यूज इन मैनुफैक्चरिंग तो मैनुफैक्चरिंग के लिए कौन सी चीज़ जो यूज़ में नहीं आती है पावर का इस्तेमाल होता है मशीनरी का भी होता है स्पेशलाइजेशन भी चाहिए तो परमिटिव टूल्स का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं तो इसका राइट right आंसर जो होने वाला है डी पार्ट होने वाला है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच साउथ एशियन कंट्री इज़ डिक्टेटरशिप परफॉर्म्ड ओवर डेमोक्रेसी यानी कि साउथ एशियन कंट्री कौन सी है यहाँ पे डिक्टेटरशिप को परफॉर्म किया जाता है डेमोक्रेसी के ऊपर तो वो हम जानते हैं वो है पाकिस्तान डेमोक्रेसी इज एन अटेंटिव टू द नीड्स ऑफ तो इसका रहेगा पीपल मैन वुमेन या इलिटरेट को नहीं देखेगा हम सभी लोगों को देखेंगे ऑल पीपल्स तो इसमें पीपल रहने वाला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टरी इज़ नॉट लोकेशनल फैक्टर ऑफ एन इंडस्ट्री अब इंडस्ट्रीज के लोकेशनल फैक्टर में कौन सा नहीं आता तो क्लाइमेट भी एक लोकेशनल फैक्टर है कैपिटल भी है चीप लैंड भी है लेकिन पर कैपिटा इनकम जो है वो लोकेशनल फैक्टर नहीं है तो इसका आंसर जो है डी पार्ट रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ए बी सी तो ये एक इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है आपकी बुक में से तो यहाँ पर ए की फुल फॉर्म जो रहेगी वो रहेगी हमारी असेट बेस्ड क्रेडिट यानी कि असेट बेस्ड क्रेडिट तो ये इसकी फुल फॉर्म रहेगी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फायर एक्सटेंजिशन जो होते हैं वो किसके लिए यूज किए जाते हैं तो सिंपल सा क्वेश्चन था स्टॉप द फायर नेक्स्ट क्वेश्चन जो था ये बहुत सिंपल है विच टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू इज ऑल्सो कॉल छोटा कश्मीर तो यानी कि कौन सा एक टूरिस्ट प्लेस है ऐसा डेस्टिनेशन है जिसे हम छोटा कश्मीर कहते हैं तो बहुत सिंपल्स आंसर है इसका भद्रवा डैश वाज द लिटरली वर्क ऑफ रहमान राही तो रहमान राही का कौन सा वर्क है तो रहमान राही का जो वर्क आपकी बुक में दिया गया है उसका नाम है माफी नामा माफी नामा तो इसका आंसर रहेगा माफी नामा नेक्स्ट है डैश इज़ द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया इन इंडिया तो ऐसे तो हम राजस्थान भी इसका लिख सकते हैं लेकिन आपकी बुक के हिसाब से यहाँ पे मुंबई हाई इसका जो है लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया रहने वाला है वे ये डिपेंड करेगा एग्जामिनर के ऊपर कि वो इसको कौन सा आंसर इसका रखता है नेक्स्ट चलेंगे एम एस एम ई की फुल फॉर्म देनी है तो ये हमें सब पता है मिनिस्ट्री ऑफ ऑफ माइक्रो स्माल एंड मीडियम एंटरप्राइजिस इसकी फुल फॉर्म रहनी थी हाउ मैनी स्टेट आर देयर इन इंडिया तो ट्वेंटी एट नेक्स्ट क्वेश्चन था देर डैश नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स इन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो यहाँ पर लद्दाख नहीं आएगा सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं तो फाइव आने वाला है नेक्स्ट uh, क्वेश्चन है वट वाज द टेन ऑफ बक्शी गुलाम मोहम्मद तो इसका रहेगा वन फिफ्टी थ्री टू सिक्सटी थ्री दस साल का इनका टेनवर है तो यहाँ पे ये इसका सी पार आंसर रहने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन नेचुरल सोर्स एयर पोल्यूशन का वालकोनो है तो ये जो है जब वालकोनो में से धुआं निकलता है लावा निकलता है तो उससे भी एयर पोल्यूशन होता है तो इट मीन्स ये वालकोनो जो है वो नेचुरल सोर्स है किसका एयर पोल्यूशन का इसमें ये ऑब्जेक्टिव यही थे उसके बाद एक मैच था जो सिंपल सा था ये इसके साथ यूनियन ऑफ इंडिया के साथ प्राइम मिनिस्टर आना था स्टेट के साथ गवर्नर मुंसिपल कॉरपोरेशन के साथ मेयर आना था और ग्राम पंचायत के साथ सरपंच आना था तो ये हमारे जो थे वो ऑब्जेक्टिव्स थे छोटे छोटे इसके बाद एक मैप का क्वेश्चन भी है वो मैं अगले सेट में जब करूँगा क्योंकि वो सबके लिए कॉमन है तो वो उसको अगले सेट में मैं जो था वो डिस्कस करूँगा